मथुरा के गोवर्धन तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में ई रिक्शा चालक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर के साथ अपनी समस्या को लेकर तहसील दिवस में पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर ने बताया कि एनजीटी ने आदेश दिया था कि 400 ई रिक्शा के पास बनाए जाएंगे, जिनमें यह आदेश दिया गया था कि पहले स्थानीय लोगों के पास बनेंगे, उसके बाद बाहरी लोगों के पास बनेंगे। लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने पहले बाहरी लोगों के पास बना दिए और स्थानीय लोग वैसे के वैसे ही रह गए, जिसके बाद फिर से स्थानीय लोगों की रिक्शा के चालान काटे जाने लगे। इसी के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया और तहसील दिवस जाकर ज्ञापन सौंपा। ये जैसे कि 26 और 27 पिछली जो ऐतिहासिक यहाँ पे बंद हुआ था तारीख को, वो इसी प्रकरण को ऐसे ही प्रकरण को लेकर के हुआ था। यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सामने जो स्थानीय रोजी रोटी का वो आया था विषय एनजीटी के कुछ आदेशों को लेकर के। ई रिक्शा के लिए कहा गया था कि 400 ई रिक्शा यहाँ चलेंगे, 400 ई रिक्शाओं के पास बनाए जाएंगे। उसमें पहली शर्त ये थी कि स्थानीय लोगों के ई रिक्शा चालकों को जो है यहाँ पर अनुमति दी जाएगी, उनके पास बनवाए जाएंगे। लेकिन इन लोगों का यह कहना है के स्थानीय लोगों के ना बन करके बाहरी लोगों के, जो कुछ ठेकेदार हैं, किसी के यहाँ 10 रिक्शे चल रहे हैं बाहर के, किसी के यहाँ 15 रिक्शे चल रहे हैं, किसी के 20 चल रहे हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पास बना दिए गए हैं। जबकि इनकी स्थिति वहीं की वहीं है, आज ये यहाँ वहीं की वहीं आज बिना बेरोजगार बैठे हुए हैं स्थानीय लोगों के लिए, और इनके ई रिक्शाओं के आज पकड़ पकड़ करके फिर से चालान किए जा रहे हैं। तो फिर से पुनः वो स्थिति ना हो जो 26-27 तारीख को ऐसा हुआ था, उसी को लेकर के एक यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं आज तहसील दिवस में।